सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑल ऑफ अस रेड वेब सीरीज के सीजन 2 के बारे में। टुडूम के अंदर इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं, तो मेरे को मल्टीपल क्वेरी सीजन 2 के रिगार्डिंग आ रही थी, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ रिसर्च मारी है जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी ऑफिशियल की तरफ से कुछ भी मेजर रिवील करा नहीं गया है। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आपको इसकी रिलीज में भी कुछ लाइक चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, अगर आप लोग को नहीं पता है तो ऑल ऑफ अस रेड उन कोरियन शोज के अंदर आता है जिसके आप लोगों को पहली बात तो मल्टीपल सीजंस आगे चल के देखने को मिलेंगे। प्लस इसी के साथ ही इस शो ने नेटफ्लिक्स को काफी सारे सब्सक्राइबर्स भी दिए थे, खास तौर से इंडिया के अंदर से, बिकॉज इस शो की इंडिया के अंदर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अन्यथा भाई कोरियन शोज को बहुत ज्यादा रेनबल वाली कंफर्मेशन नहीं मिलती है। तो स्क्विड गेम, ऑल ऑफ अस रेड एंड भाई स्वीट होम जैसे कुछ ऐसे शोज हैं जिनके आप लोग को मल्टीपल सीजंस देखने को मिल रहे हैं, एंड ये काफी अच्छी बात है कोरियन इंडस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं इस सीरीज के सीजन 2 के बारे में। तो देखो भाई, सीजन 2 के प्रोडक्शन की अपडेट मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताई दी थी, तो उसको इधर रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूं तो अभी तक इसका शूटिंग का वर्क स्टार्ट नहीं करा गया है, करंटली शो अपने प्री प्रोडक्शन फेज में है। अब देखो, इसमें इतना टाइम इस वजह से लग गया बिकॉज पहली बात तो मेकर्स एक सीजन को लेकर ही प्रिपेयर थे, लेकिन जब नेटफ्लिक्स ने मल्टीपल सीजन की कंफर्मेशन दी थी तो उसकी स्क्रिप्टिंग से लेकर मेकर्स से कुछ अदर प्रोजेक्ट को लेकर भी कमिटमेंट बताए गए, जिसकी वजह से शूटिंग में आप लोगों को इतना डिले देखने को मिला है। वरना भाई इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो जून 2022 के अंदर हुई थी, एंड अभी तक इसका शूटिंग का वर्क स्टार्ट हो जाना चाहिए था, जो कि आप लोगों को अभी देखने को नहीं मिलता है। एंड भाई देखो, टुडूम के अंदर एक्सपेक्टेड था कि शायद इसके ऊपर हम लोगों को कुछ ना कुछ देखने को मिले, लेकिन टुडूम के अंदर भाई ऑल ऑफ अस रेड का मेंशन ही नहीं करा गया। एंड इसके पीछे का रीजन अभी कंटिन्यू ये बताया जा रहा है कि देखो अभी शो प्रोडक्शन में गया नहीं है, तो दैट्स व्हाई आप लोग को इसका कुछ भी उधर देखने को नहीं मिला। हालांकि ये चीज तो भाई सारे शोज के साथ फिर लागू होनी थी, क्योंकि आप लोग को स्क्विड गेम का तो उधर कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिला था, एंड शूटिंग तो अभी उसकी भी स्टार्ट नहीं हुई है। एंड दोनों ही कोरिया के शो हैं, सो ये कोई रीजन नहीं है कि इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई आप लोग को इसका लाइक अनाउंसमेंट उधर देखने को नहीं मिला। अभी करंटली जो चीजें बताई जा रही है उसके अकॉर्डिंग चले तो बताया जा रहा है कि इस बार ना आप लोगों को गीक वीक समर के अंदर देखने को नहीं मिला है। गीक वीक आप लोगों को इस साल लाइक लास्ट क्वार्टर, मतलब कि सितंबर के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड अगर आप लोगों को याद हो तो इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी गीक वीक के टाइम पर ही हुई थी। एंड अभी करंटली ऐसे रूमर्स हैं कि अगर इस साल के लास्ट क्वार्टर तक गीक वीक वाला इवेंट होता है देन उधर आप लोग को इसका लाइक कास्ट अनाउंसमेंट या फिर इसके ऊपर कोई ना कोई लाइक अनाउंसमेंट वीडियो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद इसका जो शूटिंग का वर्क होता है उसको स्टार्ट करा जाएगा, क्योंकि अगर बात करें इसके शूटिंग की तो बताया जा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आप लोग को इसके सीजन 2 का जो शूटिंग का वर्क है वो इस साल देखने को मिलेगा। तो अच्छी खबर एक है कि आप लोग को इस साल इसका प्रोडक्शन का वर्क देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट है, ये चीज आप लोग को एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब देखो भाई, बिकॉज ऑफ इसका शूटिंग का वर्क आप लोग को लेट देखने को मिल रहा है, तो भाई शूटिंग एंड होने के बाद इसका जो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क होगा उसकी वजह से आप लोग को सीजन 2 की रिलीज में भी काफी मैसिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी करंटली अगर बात करें इसके रिलीज की तो आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग तो बताया जा रहा है कि शो आप लोग को 2024 के लास्ट क्वार्टर, मतलब कि नवंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। बट जितना भी तक हमने अपनी तरफ से रिसर्च मारी है, एंड अभी आपको पता होगा कि स्क्विड गेम का भी बताया जा रहा है कि शो आप लोग को 2024 के लास्ट क्वार्टर तक ही देखने को मिलेगा, एंड उसका शूटिंग तो भाई जुलाई के आसपास स्टार्ट हो भी जाना है। तो अगर वो शो लाइक जुलाई तक शूटिंग स्टार्ट करने के बाद 2024 के लास्ट क्वार्टर में आ रहा है तो इसका शूट तो ऑलरेडी काफी लेट स्टार्ट हो रहा है, एंड ऊपर से ये शो भी काफी ज्यादा प्रोडक्शन हैवी सीरीज है। एंड दैट्स व्हाई अपने दिमाग में आप लोग ये भी रखना कि इसकी रिलीज डेट 2025 के अगले क्वार्टर तक शिफ्ट हो सकती है। हालांकि अभी खबर अच्छी है कि भाई रिपोर्ट अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि शो आप लोग को 2024 के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। तो अभी करंटली यही कुछ अपडेट्स हैं जो कि इसके सीजन 2 के ऊपर सामने निकल कर आई थी। कास्ट एंड स्टोरी के ऊपर हमने ऑलरेडी काफी सारी बातें कर रखी हैं, तो उसको अभी इधर इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि कुछ नई फैन थ्योरीज मेरे हाथ लगी हैं, तो उसके ऊपर इन फ्यूचर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी अभी करंटली इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है देन वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग से अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।